हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं तुरई की सब्जी। इसे राइट गार्ड भी कहा जाता है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, साथ ही ये बहुत टेस्टी भी है, बहुत जल्दी भी बनेगा। तो ऐसे टेस्टी सब्जी के लिए मैंने लिया है तुरई, अराउंड हाफ के जी है। उसके बाद मूँगफली 3 स्पून है भुना हुआ, 2 टमाटर है, 1 बड़ा प्याज है, हरी मिर्च, अदरक लहसुन है, उसके अलावा जीरा 1 स्पून है और तेल। फिर उसके बाद मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 स्पून, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, नमक और तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों और 2 सूखी लाल मिर्च है। सबसे पहले मैं तुरई को धो के इसका छिलका उतारूंगी। मैंने तुरई को धो लिया है, साइड से कॉर्नर काट के मैं इसका छिलका उतारूंगी। साइड से कॉर्नर काटने के बाद आप एक बार चेक ज़रूर करना टेस्ट करके, कहीं ये कड़वा तो नहीं है। कभी कभी तुरई कड़वी रहती है, अगर एक भी तुरई कड़वी रहेगी तो पूरी सब्जी कड़वी हो जाएगी। मैंने सारे तुरई को छिल लिया है, छिल के मैं इसका छिलका नहीं फेंकूंगी क्योंकि इसके छिलके से भी बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैंने सारे तुरई छिल लिए, अब छिलके को मैं रख रही हूँ साइड में। अब मैं तुरई को काट रही हूँ। तुरई को एक तुरई के मैंने 3 पीस कर लिए हैं, 3 या 4, आपको बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, काट के बीच में से चीरा लगाना है इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हो, या फिर आप सीधा बीच में भी चीरा लगा सकते हो, जैसे हम लोग बैगन में चीरा लगाते हैं, वो भी तरीका सही है। मैं स्टफ तुरई की सब्जी बना रही हूँ तो स्टफ करने के लिए मैं ये चीरा लगा रही हूँ। मैंने उन्हें चीरा लगा लिया, अब मैं मसाला बना रही हूँ। ये है मूँगफली जिसे मैंने भून लिया था, 3 स्पून है। उसके बाद प्याज जिसको मोटा काट लिया है। अब मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 डालूँगी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को काट के डालूँगी, टमाटर को भी काट के डाल के फिर इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जो भी मसाले हमने अभी लिए थे, जीरा, सारी चीज़ें डाल के मैं इसका फाइन पेस्ट बनाऊंगी। यही स्टफिंग हम लोग तुरई में भरेंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी है, साथ ही बहुत ही हेल्दी है। बच्चे जनरली तुरई खाना पसंद नहीं करते, इस तरीके से बनाने से वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी भी होता है। मैंने सारे मसाले को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें कर रही हूँ स्टफिंग। हमने जहाँ बीच में से चीरा लगाया था उसमें स्पून से या हाथ से हम लोग अच्छे से स्टफिंग करेंगे। तुरई के कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इससे भूख बढ़ती है, डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, अगर बच्चों को चोट लगती है, हमें भी चोट लगने से घाव जल्दी ठीक होता है, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने सारे में स्टफिंग भर लिया है, तेल गर्म होने रख दिया। यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो जो ऑयल आप रेगुलर खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तेल जैसे गर्म हो गया, अब मैंने इसमें डाला है जीरा सरसों। जीरा सरसों जैसे क्रैकल हो गया उसके बाद मैं इसमें सारे तुरइयों को रख रही हूँ। सारे तुरई रख के मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे बिना मिक्स किए, बिना ढके, ऐसे ही 1-2 मिनट तक के पकाऊंगी। तुरई में नेचुरल वाटर बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए ये जल्दी तो पकता ही है और इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैंने इसे बस सेट किया है, 2-3 मिनट तक पकने दिया है। 2-3 मिनट हो गया है, अब मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथों से। हमें एकदम ज़ोर से नहीं मिक्स करना है क्योंकि ये जो वेजिटेबल है बहुत ज़्यादा नाजुक है तो मैश हो जाएगा और इसका जो स्टफिंग है वो निकल जाएगा, इसलिए हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। मिक्स करके अब मैं इसे ढक के 2-3 मिनट तक के पकने के लिए रख दूँगी। इसे ढक के धीमी आंच पर 3 मिनट पकने दिया है। 3 मिनट बाद ढक्कन निकाल दिया है। निकाल के स्टफिंग करने के बाद जो मसाला बचा था उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। डाल के अब मैं हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा मसाला तुरई में अच्छे से लग जाए। इससे ग्रेवी थिक भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। अब जार में थोड़ा सा मसाला लगा था उसमें मैंने आधा कटोरी पानी डाल के मिक्स करके डाल दिया। डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 स्पून नमक। नमक हम मसाले में भी डाल चुके हैं जब ग्राइंड कर रहे थे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें मैं 1 कटोरी और पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकने दूँगी। 4 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तुरई पका है कि नहीं। तुरई चेक करने से उतने अच्छे से नहीं पका है तो मैं इसे 2 मिनट या 3 मिनट तक और पकने दूंगी। मैंने इसे फिर से ढक दिया है, ढक के 2-3 मिनट तक पकने दिया है मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, सब्जी काफ़ी अच्छे से पक गई है, गाढ़ी हो गई है, साइड से तेल भी छूट रहा है, तुरई भी अच्छे से गल गई है। ये सब्जी में नेचुरल वाटर ज़्यादा रहता है तो पानी बहुत कम लगता है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से डाला है बारीक कटा धनिया पत्ती। ये सब्जी रोटी, नान, पराठा सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। सब्जी बन गई है, अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये टेस्टी तुरई की सब्जी बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।